So, मौका मिलते ही मैं तो वर्कआउट कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वर्कआउट कभी ना छोड़ू. बट देर आर सिचुएशंस जब आ जाते हैं प्लेटू. वर्कआउट के लैंग्वेज में प्लेटू बोलते हैं. सर्टन वेट में आके आपका वेट अटक जाता है और उसके नीचे नहीं होता है. एंड फॉर पीपल लाइक माई फ्रेंड, जिसको मैंने देखा, आप देखिए कि किस तरीके से मैं उसको जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं सिखाऊं, मैं मोटिवेट करूं. वो पर्सनली भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि उसके जो बॉडी वेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस चक्कर में वो उस हिसाब से वर्कआउट कर नहीं पाती है. तो फॉर ऑल दीज पीपल आई हैव दिस पिल कॉल्ड द बायोस्लिम. सुनोवाज बायोस्लिम. इसमें है गार्सिनिया कैम्बोगिया और ग्रीन कॉफी बीन. इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट जो हमारी पतला होने में काफी मदद करता है. दिस इज अ वेरी नेचुरल स्लिमिंग पिल. इसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, जो कि ग्रीन कॉफी भी एक्चुअली मोटापा घटाने में काफी काम करता है. तो अगर आपके पास ग्रीन कॉफी भी है उसका भी कॉफी बना के आप पी सकते हैं. जैसे ग्रीन टी होता है बिल्कुल उसी तरीके से ग्रीन कॉफी होता है. जैसे एक बात तो है कि जो लोग मोटे हैं दे आर डेफिनेटली वेरी फूडी. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आपको थायराइड है या ऐसी कोई बीमारी है जिसके कारण मोटापा हुआ है, अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी मोटे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि खाना बहुत पसंद रहेंगे. तो ये है वो प्रोडक्ट जो खाने से एक्चुअली भूख लगना कम हो जाता है. तो अगर भूख लगना कम होगा तो ऑब्वियसली आप खाना कम खाएंगे और जितना जरूरत है उतना खाएंगे. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खाना कम खाएंगे या खाना नहीं खा के पतला होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं. खाना खाते रहना चाहिए, कुछ भी खचर पचर जो भी होता है, मतलब मुंह चलते रहना चाहिए वाला खाना खाना नहीं चाहिए. तो ये मुंह चलते रहना वाला खाने को या भूख को कम कर देता है. आई होप कि ये दवाई लेने के बाद नॉनस्टॉप खाते जो रहती है ये कम कर देगी. मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ यू कैन यूज इट. इट्स नॉट ओनली कि फीमेल यूज करे. और मैं तो रेकमेंड करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स को. इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स लेते भी है और काफी लोगों को फायदा हुआ है. मैंने भी लिया था डेफिनेटली, बिकॉज ये प्रोडक्ट एकदम नया नहीं है मार्केट में. ये काफी टाइम से 20 साल पुराना प्रोडक्ट है और मार्केट में है, ट्रस्टेड. सो एक टाइम था जब हम लोग आउट ऑफ स्टेशन शूट कर रहे थे, हम रामायण शूट कर रहे थे, और उस टाइम पे मतलब काफी वेट पुट ऑन हो गया था. तो मैंने इस दवाई का सहारा लिया था थोड़े टाइम के लिए और मेरे वजन में काफी उन्नति देखी गई थी. तो यू कैन टेक दिस मेडिसिन. बट अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, प्लीज ये दवाई ना ले, बिकॉज इट इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर देम. आई थिंक मैंने एक सीक्रेट तो बता दिया और होपफुली दिस वीडियो विद दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू टू लूज अ लॉट ऑफ वेट. प्लीज राइट डाउन टू मी हाउ यू लाइक्ड इट एंड वॉट एल्स डू यू वॉन्ट टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, ता-रा, बाय बाय, सी यू.